दानहा के तीन बच्चों को मिला नेशनल कराटे चैंपियनशिप में मेडल। नमस्कार, मैं आशीष झा आप सभी का स्वागत करता हूं सिलवासा न्यूज लाइन में। दादरा नगर हवेली सिलवासा के तीन बच्चों ने गोवा में चल रहे नेशनल कराटे चैंपियनशिप में गोल्ड और एक ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया। इस नेशनल कराटे चैंपियनशिप गोवा में 14 राज्य के 722 बच्चों ने भाग लिया था। सिलवासा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और बाल भवन कराटे प्रशिक्षण में प्रशिक्षक राधे श्याम द्वारा चलाया जा रहा है। इससे प्रशिक्षित चार बच्चों ने, जिसमें कि ज्योति सिंह, श्वेता सिंह एवं गायत्री सिंह ने गोल्ड मेडल को, तो वहीं तिथाली मोरे ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर प्रदेश का नाम रोशन किया। इस कराटे चैंपियनशिप गोवा में 14 स्टेट के 722 बच्चों ने भाग लिया, जिसमें दानहा के चार बच्चे मेडल जीत कर आए। देखिए इस विषय में मेडल जीत कर आई ज्योति सिंह ने क्या कहा, और ऐसे ही आसपास की खबरों को जानने के लिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सिलवासा न्यूज लाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाले बटन को दबाकर अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। संस्कृतिशन मार्शल आर्ट स्कूल सिलवासा डीएनए से चार गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया था 10 SCKFI नेशनल कराटे चैंपियनशिप पंजिम गोवा में, जिसमें मैंने -55 kg ब्लैक बेल्ट कैटेगरी में कुमिते में गोल्ड मेडल और काता में सिल्वर मेडल जीता। मैं अपने कोच सेंसर राधा कृष्णन सर और सेंसर तेग बहादुर स्वामी को थैंक्स कहना चाहूँगी कि, और साथ ही साथ अपने पेरेंट्स को भी थैंक्स कहना चाहूँगी, क्योंकि उनकी वजह से आज मैं गोल्ड मेडल जीत पाई हूँ। थैंक यू।